हेलो फ्रेंड्स, लुबनास किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चिकन अंगारा बनाना सीखेंगे। ये काफी टेस्टी है और इसे बनाना काफी सिंपल और आसान होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले इसकी सामग्री देख लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। 500 ग्राम चिकन लेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। खड़े मसालों में 3 लाल मिर्चें हैं सूखी, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 4 लौंग है और 3 हरी इलायची है, 3 मीडियम साइज के टमाटर है रफली चॉप किए हुए, 3 प्याज है फ्राई की हुई जिसे मैंने क्रश कर लिया है, 2 टेबलस्पून दही है, 1 टेबलस्पून क्रीम है, 3 टेबलस्पून तेल है, 2 टेबलस्पून देसी घी है, 1 टेबलस्पून हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, 10 से 15 काजू है। चिकन को हमें मैरिनेट भी करना है। मैरिनेट करने के लिए हमें जिन मसालों की जरूरत होगी वो ये है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला है, 1/2 टीस्पून कस्तूरी मेथी है क्रश की हुई, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट है। कोयला लेंगे धुंगार के लिए। तो चलिए चिकन अंगारा बनाना शुरू करते हैं। लुबनास किचन को और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा। दही डाल देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे और सारे सूखे मसाले जो हैं उन्हें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इस पर हमें कोयले का धुंगार देना है। 1 कटोरी रख देंगे इस पर जलता हुआ अंगारा रखकर घी या तेल से इसे धुंगार दे देंगे। इसे जल्दी से ढक देना है ताकि जो धुआं है वो बाहर ना निकल जाए। इसी तरह ढक कर इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। चिकन मैरिनेट हो गई है, बाकी की प्रोसेस करते हैं। 1 कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, इसमें कटे हुए टमाटर और काजू डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक हमें सोटे कर लेना है। टमाटर और काजू को 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेने के बाद इसे बाहर निकाल लेना है और ठंडा करके इसकी एक पेस्ट बना लेनी है। इसी तेल में अब घी डाल देना है। देसी घी से इस रेसिपी का टेस्ट काफी बढ़ जाता है। अगर आपके पास घी ना हो तो आप सिर्फ तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे, इसे हल्का सा सोटे कर लेना है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है और इसे भी अच्छे से भून लेना है। चिकन को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड कर इसे भी अच्छे से भून लेना है। सारे मसाले और चिकन को स्लो टू मीडियम आंच पर 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसमें काजू और टमाटर की जो पेस्ट तैयार की थी उसे डाल देनी है, साथ ही साथ क्रश की हुई तली हुई प्याज और क्रीम डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1 से 1.5 कप के करीब पानी डाल देंगे। मैं यहाँ 1 से 1.5 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। अब अपनी जितनी ग्रेवी थिक रखनी है उसके मुताबिक पानी डाल सकते हैं। इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसे ढककर स्लो टू मीडियम आंच पर चिकन गलने तक पका लेना है। चिकन अच्छे से गल चुकी है। इसे गलने में तकरीबन 10 मिनट का वक्त लगा था। अब गैस की आंच हम बंद कर देंगे और एक तरफ हम चारकोल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। बीच में कटोरी रखेंगे, जैसा कि इस रेसिपी का नाम है चिकन अंगारा, तो इस पर हम अंगारा रखकर थोड़ा सा तेल या घी डालकर धुंगार देंगे। अब इसे जल्दी से बंद कर लेना है और कम से कम 5 मिनट तक इसे ढके रहने देना है। 5 मिनट के बाद हम इसे खोलकर देखेंगे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सारे किचन में इसकी खुशबू भर चुकी है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, चिकन अंगारा बनकर तैयार है। अभी हम इसे सर्व कर देंगे।